नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है हीरो हैकर में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, टाइम फॉर अर्न। ओके गाइस, तो एप्लीकेशन बहुत ही खासियत चीज़ है। तो क्या क्या खासियत चीज़ है, बस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहो। ओके गाइस, तो चलो आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बार जरूर कहूँगा, अगर आपने हीरो हैकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हीरो हैकर्स में आपको उसी तरह की वीडियो मिलेगा जो यूट्यूब में आपको देखने का शायद कम ही मिलेगा। और आप लोगों को मुझे कमेंट करने बताना जो आप लोगों को क्या पसंद है। अगर आपको अनलिमिटेड ट्रिक चाहिए तो यहाँ पर से मिल जाएगा, और यहाँ पर से अगर आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए एप्लीकेशन का तो भी मिल जाएगा। ओके गाइस, तो फिलहाल आज मैं एक वेबसाइट के बात करने वाला हूँ, कि बहुत सारा सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट कर रहा था जो इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाओ, अच्छा वेबसाइट है। तो चलो आज मैं सोच रहा था कि इसको बना ही दूँ। तो गाइस इसको जब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जब भी आप लिंक में क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली रजिस्टर में क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना होगा। उससे पहले इसका जो पे आउट रेट है, पहले इस पे आउट रेट को और बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका जो पे आउट रेट किस तरह की है, और इसका जो सबसे खासियत बात इसका कैप्चा जो सबसे अलग है, वो भी करके दिखाऊंगी। यहाँ पर से देखो मिनिमम पे आउट जो है $1 से, बहुत ही खासियत आपको $1 के नेपर से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में क्या होता है, एक हज़ार व्यू में $1 तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर से जो सबसे फास्ट में जो $15 पे आउट है, उसके बाद इसका चलो आपको सब कुछ देख लेना। उसके बाद सबसे पहले इंडिया का पे आउट है, वहाँ पर से इंडिया का पे आउट है $6 और $6.5, मतलब कि इंडिया का जो पे आउट है अगर 1000 व्यूज़ में आपको $6 मिलेगा। ओके गाइस, आपको 1000 व्यूज़ में $6 मिलेगा, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो कैसे क्या साइनअप करते हैं चलो आप लोगों को दिखा देना। आपको सिंपली रजिस्टर में क्लिक कर देना होगा, रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर से आपको सब कुछ धीरे से फिलअप कर देना होगा। चलो यहाँ पर से फटाक से मैं यहाँ पर से फिलअप कर देता हूँ। कैसे देखो, यहाँ पर से मैं सब कुछ फिलअप कर दिया। आपको सिंपली ऐसे फिलअप करने के बाद रजिस्टर में क्लिक कर देना होगा, रजिस्टर में क्लिक करने योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। उसके बाद यहाँ पर से अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके आपको सिंपली सिंग इन कर लेना होगा। चलो गाइस फटक से मैं कर लेता हूँ। और गाइस आप इसका जो खासियत के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसका जो पे आउट रेट अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक भी क्लिक नहीं हुआ, जब आपको क्लिक हो जाएगी यहाँ पर से सब कुछ शो करने लग जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर से जब आप ओपन हो जाओगे यहाँ पर से आपको क्या करना होगा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर से देखो आपको 3 डॉट में जो है क्लिक कर देना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर से 3 डॉट में मैं क्लिक कर दूँ, उसके बाद आपको रेफरल में क्लिक कर देना होगा। रेफरल में क्लिक करने के बाद रेफरल के बाद में करते हैं, उसके आपको सेटिंग में क्लिक कर देना होगा। ओके गाइस, एंड सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल में क्लिक कर देना होगा। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको सब कुछ फिलअप कर देना होगा। ओके गाइस, तो चलो यहाँ पर से थोड़ा सा ऐड आगे इसको कट करके यहाँ पर से आ जाए। तो यहाँ पर से देखो अपना फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर से अपना विड्रॉ, इसके बाद अपना यहाँ पर से फ़ोन नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर से अपना कंट्री जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर से अपना जो कंट्री, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया, अगर बाहर का हो तो बाहर का कंट्री सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर से चूज मेथड, आपको यहाँ पर से माई वॉलेट, पेपल, बैंक ट्रांसफर, UPI, तेज, पेटीएम ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इंडिया से तो पेटीएम में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे कि पेटीएम सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर से आप देख सकते हो पेटीएम में $1, तेज में $1, UPI। अगर आप फोनपे टोनपे कुछ UPI है फ्रीचार्ज तो ले सकते हो, बैंक ट्रांसफर जो $5, पेपल जो है $5, माई वॉलेट $5। ओके गाइस, उसके बाद अपना विड्रॉल अमाउंट में आपने जो अगर पेटीएम दिया तो यहाँ पर से अपना पेटीएम नंबर डाल देना, तेज हो तो अपना तेज के UPI ID या तेज का नंबर डाल देना, UPI है तो अपना UPI ID डाल देना, बैंक हो तो अपना बैंक ब्रांच नेम सब कुछ डाल देना। उसके बाद आपको सबमिट बटन में फिलअप कर देना होगा, तब आपको विड्रो का कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद चलो यहाँ पर से आपको रेफरल में जाके आप लोगों को देखा देना चाहते हो इसका रेफरल कमीशन से कितना है, तो रेफरल में चलो क्लिक कर दिया। उसके बाद आप लोगों को देखा देना चाहते हो यहाँ पर से देखो रेफरल कमीशन जो इसका है 40%। तो 40% रेफरल का मकसद यही होता है कि अगर आप किसी को रेफर करते हो, मतलब कि मैंने अपने, ये है आप अपने एक फ्रेंड को रेफर किया है, वो अगर आपको 40% मिलेगा। ओके गाइस, तो अगर वो फ्रेंड आपका $4 कर लेता है तो आपको $1 फ्री में मिल जाएगा, मतलब कि 40% का हिसाब से मेरे ख्याल से यही होता है। ओके गाइस, कुछ गड़बड़ है तो कमेंट कर देना। अगर वो $4 करते हो तो आपको $1 फ्री में मिल जाएगा, ऐसे करके करके लाइफ टाइम आपको मिलता जाएगा टाइम फॉर अर्न। ओके गाइस, यहाँ पर से देखो सब कुछ है, यहाँ पर से और भी वगैरह वगैरह चीज़ है, और यहाँ पर से और भी चीज़ें आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर से विड्रॉ का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको विड्रॉ में क्लिक कर देना होगा।
विड्रॉ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से अपना जो जितना भी अर्न करोगे यहाँ पर से अवेलेबल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद विड्रॉ में क्लिक कर देना होगा। ओके तो आर यू श्योर आएगा, ओके कर देना, सिंपली कैंसिल कर दो। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप देखा देना चाहिए तो स्टैटिस्टिक में क्लिक करके आपको लिंक कैसे शॉर्ट करना है। जैसे कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक हो गया, कुछ भी लिंक हो गया, आपको यहाँ पर से देखो डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पर से लिख देना है, चलो मैं किसी का आपका सामने किसी को एक यूआरएल का लिंक शॉर्ट कर www.google.com। ओके इसी तरह से आप शॉर्ट कर सकते हो, या तो आप चाहो आपका यूट्यूब का लिंक, अगर किसी को आप एप्लीकेशन भेजना चाहते हो तो एप्लीकेशन लिंक यहाँ से शॉर्ट कर देना, उसके बाद अपना फ्रेंड को भेज देना, वो इस लिंक में क्लिक करेगा, उसके बाद इस लिंक के थ्रू वो एप्लीकेशन को पहुंच जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा google.com, देखो आप लोगों के सामने मैं गूगल को ओपन करके दिखाऊंगा, कैसे ओपन करके दिखाऊंगा बस बने रहो। लेकिन यहाँ पर से लिंक आ गया है, ओके आपको इस लिंक में क्लिक कर देना होगा। लिंक में क्लिक करने के बाद चलो यहाँ पर से मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, और व्हाट्सएप में जाने के बाद गाइस किसी एक को, अगर किसी को गूगल खोलना है तो अगर किसी को, जैसे कि मैं एप्लीकेशन का डाउनलोड करूँगा, एप्लीकेशन का लिंक शॉर्ट करूँगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक शॉर्ट करूँगा, तो आपको सिंपली यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देना है। अगर आपने किसी फ्रेंड को अपना यूट्यूब वीडियो सेंड करना चाहते हो तो आपको फ्रेंड के सिंपली एक लिंक भेज देना है इस तरह के, और आपको फ्रेंड को बताना है कि इस लिंक के थ्रू यूट्यूब वीडियो आ जाएगा। तो आपको आपका फ्रेंड क्या करेगा, इसको लिंक में क्लिक करेगा। जैसे कि मैंने google.com लिखा तो मेरा जो इस लिंक के अंदर google.com है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट होकर ऐसा आ गया, तो टाइम पर मेरा खोल गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर से कैप्चा आ रहा है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू में जो नीचे में एक बटन मिल जाएगा, उस भी बटन में आप अगर आप चाहो तो आप क्लिक कर सकते हो, या आप अपना फ्रेंड को भेजोगे तो अपना फ्रेंड को भी क्लिक। ऐसे आपको फ्रेंड को कहाँ से क्लिक करना होगा, या आपको यहाँ पर से देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू, तो आपको सिंपली क्लिक हियर टू कंटिन्यू में क्लिक कर देना होगा। ओके गाइस तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर से आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर से देखो कैप्चा वाज इनकरेक्ट ट्राई अगेंस्ट, मतलब कि मेरा जो कैप्चा है मैंने फिलअप नहीं किया, तो यहाँ पर से देखो कैप्चा नहीं आएगा। यहाँ पर से आपको ऐसा लिखना होगा, सब वेबसाइट में क्या होता है, आपको कार आएगा तो तीन कार को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद बस आएगा तो बस सिलेक्ट करना होगा, ऐसे करके नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से इंस्टा जो है ओल्ड, यहाँ पर से आपको अगर आप सुनना चाहते हो यहाँ पर से माइक्रोफोन, यहाँ पर से सुन भी सकते, तो यहां पर से ना सुन के मैं कैप्चा को फिलअप कर देता हूं, ओ उसके बाद एल डी उसके बाद एस एच ए ओ है ओ ए। ओके इस तरह से कैप्चा फिलअप करने के बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू में क्लिक कर देना होगा। ओके गाइस जैसे ही क्लिक हियर टू कंटिन्यू में मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद देखो थोड़ा सा टाइम लगा यहां पर से 7 सेकंड 8 सेकंड, तो 8 सेकंड रुकने के लिए बोल रहा है। बहुत सारे वेबसाइट में 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड तक बोलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 सेकंड। तो आपको फ्रेंड को या आपको अब जिसको रेफर करो उसको 8 सेकंड रुकना होगा, और यूट्यूब चैनल का अगर लिंक भेजो उसके बाद 0 सेकंड जब हो जाएगा नीचे देखो गेट लिंक में क्लिक कर देना होगा। तो जब भी गेट लिंक में क्लिक कर देगा तब आपका जो वीडियो आपने उसको भेजा तो वो वीडियो तुरंत ही तुरंत आ जाएगा। ओके गाइस तो चलो फिर से देखो मैंने गेट लिंक में क्लिक कर दिया, गूगल आ गया। अगर यहाँ पर से आप यूट्यूब चैनल का लिंक भेजोगे तो आपका फ्रेंड के सामने यूट्यूब चैनल और जो वीडियो का लिंक भेजा वो ओपन हो जाएगा। अगर यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दो तो यूट्यूब चैनल का लिंक ओपन हो जाएगा। तो गाइस सब कुछ समझ गए इस वीडियो में, मैं अच्छे करके बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करना, और यहाँ पर से वेबसाइट में जाके आप लोगों को देखा देना चाहते हो यहाँ पर से कोई जो है बड़ा कि नहीं। ओके गाइस तो व्यू एक बार रिप्रेस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक भी व्यू बड़ा है कि नहीं, जो यहाँ पर जो सेल्फ क्लिक होता है कि नहीं। अगर सेल्फ क्लिक होता है तो यहाँ पर से देखो यहाँ पर से CPM जो है अभी $7 चल रहा है, मैंने $6 बोला था लेकिन यहाँ पर $7 बहुत ही बढ़िया है। देखो एक क्लिक का मुझे 0.007 मिल गया। तो यहाँ पर से आप एक दिन में 2-4 बार सेल्फ क्लिक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके गाइस तो सब कुछ बता दें, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना, और गाइस हीरो एकेडमी बने रहना, एक और न्यू वीडियो को है, जब तक ना आए एक न्यू वीडियो को तब तक बने रहना।